की मनोकामना पूर्ण करो। मैडम स्वाभिमान के बाद में आपने कांग्रेस ज्वाइन की, अब अगला मिशन चुनाव है, किस तरीके से आप लोग प्रेजेंटेशन करेंगे बाड़मेर के लोगों का राजस्थान? राजस्थान में भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस का राज लाना है, यही हमारा। तो उसके लिए आप भी राजस्थान में भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस का राज लाना है, यही हमारा। तो उसके लिए आप भी प्रचार करेंगे मैम? बिल्कुल, मैंने पहले भी प्रचार करती थी, आज मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगी। पहले तो मैम आप आमतौर पर देखा गया बाड़मेर जैसलमेर में, इस बार बाढ़ भी निकलने का प्रोग्राम है राजस्थान में, जो कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा हम उससे। मैम ऐसा लगा रहे हैं कि आपके परिवार से कोई इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें कुछ है? वो कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। अच्छा, और मैम जिस तरीके से लोगों में उत्साह, बाड़मेर आज पहली बार है, कैसा लग रहा है आपको इतना सारा उत्साह देखकर लोगों को? ये तो हमारे सब अपने ही लोग हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार घर में आए हैं कांग्रेस में ज्वाइन करके? जी, कुछ नई बात नहीं है, ये सभी लोग यहाँ, कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है, 2014 में ही ये स्वाभिमानी, सब स्वाभिमानी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आज कांग्रेस के भी सदस्य जो हैं और मेंबर्स हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं, पर वो पहले भी हमसे जुड़े हुए थे, हम इस एरिया के हैं तो उसमें पार्टी कुछ नहीं है, ये सब अपने घर के लोग हैं। मैम पिछले 5 साल कैसे बीते हैं आप लोगों के साथ में, या आपके जो लोग आपके समर्थक थे उनके साथ में किस तरीके की घटनाएँ हुई जिसको लेकर आपने स्वाभिमान रैली के दौरान काफ़ी लोगों से चर्चा की? 22 तारीख को साहब ने बता ही दिया था स्वाभिमान रैली के टाइम कि कितना प्रताड़ित किया था हमारे समर्थकों को, सो वो बीती बात है, आगे का हमें तो लक्ष्य है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना। मैम इस वक्त कैसा माहौल है कांग्रेस के लिए राजस्थान में? बहुत पॉजिटिव माहौल है। सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, बेशक।